मॉर्निंग स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और 11th क्लास के लिए भी। 11th क्लास में पढ़ा हुआ हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोर देन 80 क्वेश्चन हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। सो उसी का एडवांस वर्जन है जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल रिजल्ट तो वही है, 11th क्लास वाला ही रिजल्ट है, बट उसी का थोड़ा सा और एडवांस, कुछ नए नए टर्म ऐड किया है मैंने इसमें। तो ये है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 का स्टार्टिंग पॉइंट तो वो पुराना ही, इसमें तो पुराना ही टॉपिक लेंगे और फिर इसके बाद कुछ नए पॉइंट आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ा हुआ, ठीक है। एक बार लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। नंबर 1, सो यहां आप लिख लेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। और इस साइड में आप बना लेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ सारे एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट कई बार आप पढ़े हुए हैं कि नौ। नंबर 1 में कॉस्मिक रे, 10^-15 मीटर टू -13 मीटर, ये कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बाद आप लिख लेंगे यहां पे गामा रे, -10^-13 मीटर टू -10^-10 मीटर, ये जानते हैं। गामा के बाद आता है एक्सरे, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और एक्सरे का वेवलेंथ हो गया 10^-10 मीटर टू -10^-8 मीटर। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी लाइट, इसका वेवलेंथ हो गया 10^-8 मीटर टू 4×10^-7 मीटर, ये जानते हैं आप। अल्ट्रावायलेट के बाद आएगा विजिबल, विजिबल को थोड़ा सा आप ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। इसको आप ब्रेक करेंगे तो 4×10^-7 मीटर टू 7.8×10^-7 मीटर। सो रेंज आप जानते हैं सब विजिबल को, इसको भी स्प्लिट करके सिखाया था मैंने आपको। विजिबल के बाद आप लिखेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सारा सोर्स मैंने आपको बता रखा है, इंफ्रारेड हीट वेव है, इसका वेवलेंथ होता है आप जानते हैं 7.8×10^-7 मीटर टू 10^-3 मीटर। सो इंफ्रारेड और देन माइक्रोवेव, सो माइक्रोवेव 1 मीटर तक जाएगा, 10^-3 मीटर टू 1 मीटर, और लास्ट है रेडियो वेव। सो लास्ट में सबसे नीचे लिख लेंगे रेडियो वेव, यह है 10^3 मीटर तक। सो आप लिख लेंगे, सब पढ़ा हुआ बट एक बार रिवीजन कर लीजिए। सो मैं एक बार चेक कर लूँगा कि क्या सब चीज विजिबल है ना, बोर्ड में नीचे दिख रहा है आपको, तो आप नोट कर लेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है।
ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन 20+ क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, आप पढ़े भी हुए हैं, कितनी बार आप पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि नाउ इस पैटर्न पे फॉलो करेंगे तो ये ऑर्डर है वेवलेंथ का, ये वेवलेंथ का ऑर्डर जाएगा, नीचे जा रहे हैं वेवलेंथ, ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है सी बाय लैम्डा होता है, सो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऊपर कर लेंगे। एनर्जी, एनर्जी जानते हैं, एनर्जी आप एच म्यू या एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, कम से कम 100 बार तो ये लिखे ही होंगे, 100 बार से ज़्यादा ही लिखे होंगे, एनर्जी फोटोन वो है एनर्जी, ऑर्डर ये हो गया। इसी एनर्जी के चलते हम लोग पढ़े हुए थे कि ये चारों हार्मफुल रेडिएशन है, ये चारों कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा, अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल रेडिएशन। फॉर ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी के लिए ये रेडिएशन जो है हार्मफुल रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन फॉर ह्यूमन बॉडी। तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका रेंज आपको जानना था, वेवलेंथ का रेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी का रेंज है, एनर्जी का रेंज आप कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा एग्जाम में आया हुआ, आईटी मेन में भी मिल जाता है, मेडिकल में भी, बट वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आपका अगर मान लीजिए मेन का ही क्वेश्चन है, ब्लू लाइट, येलो लाइट, एक्सरे और रेडियो वेव, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सेकेंड, मान लिया आपको पूछा गया है ब्लू लाइट, फिर पूछा गया है येलो लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव, एक्सरे, रेडियो वेव, बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऐसे कर लीजिए, आई वो आईटी मेन का क्वेश्चन है बट अब बहुत छोटा। ये सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एनर्जी में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे बना देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यहां पे एनर्जी लो और यहाँ एनर्जी हाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनाना है। सो बताइए सबसे लो एनर्जी, जैसे ब्लू है, ब्लू से भी लो क्या है, येलो, एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है, सबसे लो एनर्जी नहीं, येलो से भी नीचे क्या है, रेडियो, रेडियो वेव है ना, सबसे नीचे रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव का एनर्जी सबसे लो, तो सबसे लो में 4 कर लीजिएगा, उसके बाद येलो कलर कर लीजिएगा, उसके बाद आप ब्लू कलर कर लीजिएगा, उसके बाद सबसे हाई एनर्जी जो है वो एक्सरे का होगी, होगी। 1 सेकंड क्वेश्चन इसके, 1 सेकंड की। कुछ न्यूमेरिकल भी आता है तो न्यूमेरिकल एकदम छोटा हो, ऐसे आप इतना न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं कि एकदम इंची इसके न्यूमेरिकल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2-3 क्वेश्चन बस कर लीजिए, थ्योरेटिकल फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। सो विच ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन हैज लिस्ट वेवलेंथ, लिस्ट वेवलेंथ रेडिएशन, लिस्ट वेवलेंथ रेडिएशन। सो गामा, बीटा, अल्फा, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, एक्सरे,
तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये तो रेडिएशन है ही नहीं, अल्फा रे और बीटा रे रेडिएशन नहीं है, ये लोग तो पार्टिकल है ना। अल्फा रे को आप जानते ना कि अल्फा रे द हीलियम प्लस प्लस होता है, ये एक पार्टिकल है। बीटा रे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हैं। ये दोनों रेडिएशन नहीं है, रेडिएशन में गामा और एक्स रे। लो वेवलेंथ होगा किसका? गामा का। कर लीजिए, ऊपर की तरफ एनर्जी ज़्यादा जाता है ना, नीचे की तरफ वेवलेंथ जाता है, तो ये ऐसे गामा हो गया। एंटी मेन का ही है बट एकदम ईजी। सो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंटी मेन का ही है। वन सेकेंड, कॉस्मिक एक्सरे गामा बीटा, कॉस्मिक एक्सरे गामा रे बीटा रे। वन सेकेंड, बीटा रे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन नहीं है। अल्फा रे बीटा रे ये लोग पार्टिकल है, रेडिएशन कहाँ होगा? ये लोग मेडिकल में आया था कि रेडिएशन इमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी कौन सा रेडिएशन इमिट करता है? रेडिएशन इमिट या एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडी, जानते हैं आप। ऑप्शन देखेंगे एक सेकंड में पहचान लेंगे। आप जानते हैं कि आप ये पढ़े हुए हैं कि ये जैसे ह्यूमन बॉडी, मान लिया हम लोग का बॉडी है, तो जो ह्यूमन बॉडी है इस बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हैं, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो हुआ वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर। अभी बाहर में एयर जो है वो मॉइस्चर है, जो एयर है ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नियरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ऐसे। सो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगा। आप जानते हैं कि ये आप साइंस में जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट जो फ्लो कर रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हीट फ्लो करता है। और हीट कौन सा रेडिएशन है? इंफ्रारेड, पढ़े ना हीट वेव, इंफ्रारेड। कुकिंग करते हैं, किचन में कुकिंग करते हैं, एलपीजी गैस जो फ्लेम जलता है उससे आपका बॉडी गर्म हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हीट आता है, तो वो है इंफ्रारेड। उसी का दूसरा पार्ट माइक्रोवेव, जब आप माइक्रोवेव ओवन चलाते हैं तो वहाँ माइक्रोवेव आता है। तो पढ़े हुए आप सब जानते हैं कि हीट वेव, ह्यूमन बॉडी इमिट हीट वेव। सो ह्यूमन बॉडी, यहाँ से पता चला कि ह्यूमन बॉडी इमिट इमिट हीट वेव और इंफ्रारेड वेव। हीट वेव या इंफ्रारेड वेव, ह्यूमन बॉडी इमिट हीट वेव या इंफ्रारेड वेव, जो ह्यूमन बॉडी से इमिट होता है वो ही है। सो यह है इंफ्रारेड वेव। और इंफ्रारेड वेव आईटी मेन में भी पूछा हुआ है कि ये इमिट भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब भी करता है इंफ्रारेड वेव। और आपको पढ़ाया था मैंने, यह है आईटी मेन का ऊपर क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे, इस तरह बताया था।
सो मैंने आपको बोला था कि देखिए ऐसे इस तरह से इंफ्रारेड आ रहा था, इसलिए मैं वहां उसका ना एक और क्वेश्चन मुझे करना था। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे गांव में या शहर में, खेलते थे छोटे छोटे थे तो खेलते समय गिर जाते थे, कभी गिर गए कभी चोट लग गया, ठीक है। तो जब चोट लग जाता था तो घर पे बताते नहीं थे डर से, ठीक है, बट पता चल जाता था। घर में मदर फादर जब टच करते थे बॉडी को, नहाते समय टच कर रहे हैं तो स्वेलिंग आ जाता था, ठीक है। गिरने के बाद देखते थे स्वेलिंग, मान लीजिए स्वेलिंग का मतलब ये पोर्शन जो हो गया वो जस्ट फूल गया, ये जो स्वेलिंग आ गया ऐसा, ये स्वेलिंग हो गया कहीं भी जहाँ पे भी चोट लगा वो जस्ट पोर्शन जो हो गया फूल गया, ठीक है। तो स्वेलिंग को जो जो इसको बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेन, गिर गए कहीं चोट लग गया मसल में स्ट्रेन आ गया और वहाँ पे स्वेलिंग फूल गया, ठीक है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सिंपल सा घर में जो होता था वो ऐसे ही मोटा सा कपड़ा ले लेते थे, कोई पत्थर है स्टोन, पत्थर हुआ स्टोन जो है या ब्रिक कोई भी टुकड़ा है, ईंट का टुकड़ा है, उसको आग में जैसे खाना बनता था आग जो फ्लेम पे बन रहा है उस फ्लेम में डाल देते थे, डाल करके उसको गर्म कर लेते थे पत्थर को। गर्म करने के बाद ऐसे मोटा सा ही कपड़ा रहता था, कॉटन का कपड़ा रहता था, उसमें पत्थर डाल दिए, पत्थर डाल करके ऐसे यहाँ जस हीट वेव और सेकते थे, जहाँ चोट लगा हुआ है वहाँ धीरे धीरे ऐसे सेकना होता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। मस्कुलर स्ट्रेन वही है, गिर जाते थे चोट लगा मसल में, चोट लग गया फूल गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया तो वो उसको उसको ट्रीट करना है, स्वेलिंग को ट्रीट करना है, तो ट्रीट करने के लिए हीट वेव इंफ्रारेड वेव स्टोन लेकर के रखा हुआ था, गर्म करके स्टोन कपड़े में रख करके, तो ताकि बहुत ज़्यादा जले नहीं कपड़ा में, यहाँ पे कॉटन में थोड़ा सा फिल्टर हो गया, हीट कम हो गया और ऐसे 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 कर देते थे। यही चीज़ देखिए ये गांव वाला वही कॉन्सेप्ट तो है मॉडर्न। आज मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आप उनसे बोलेंगे कि हमको हॉट वाटर बैग दीजिए, हॉट वाटर बैग, सेम चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, सेम जो हम लोग गाँव में फ्री में होता था वही शहर में उसी को पैसा पे करना पड़ता है। 200-250 का हॉट वाटर बैग आता है, रबर का बैग रहेगा, उसमें भी पानी गर्म करके डाल दीजिए और कहीं जहाँ दर्द होता है वहाँ लोग उसको लगा लेता है, धीरे धीरे उससे सेकता है जहाँ पे पेन हो रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ तो है। सो इंफ्रारेड वेव यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, स्वेलिंग हो गया पत्थर लेते थे ऐसे, पत्थर लेकर के ऐसे जस्ट स्टोन लेते थे, ठीक है, हीटेड स्टोन, हीटेड स्टोन, और आजकल शहर में चलता है उसको बोलते हैं हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर रबर का बैग आता, हॉट वाटर बैग जो होता है, ठीक है, वो उससे इंफ्रारेड हीट वेव है, हीट वेव है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। इंफ्रारेड और हीट वेव यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन सो मस्कुलर स्ट्रेन ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो ये इंफ्रारेड आ रहा था इसलिए मैंने सोचा पुराना पढ़ाई हुआ है थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा यहाँ पे स्कैन करके ऐड कर दूंगा, एक दो न्यूमेरिकल बनाइए ना रेंज से, जैसे मेडिकल का ही क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया है, सो पीएमटी का ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक सर्च कर लेता हूँ, कोई बहुत सारे हैं क्वेश्चन भाई, इतना सारा आता है रेंज पे। सो चलिए क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आफ्टर द 15 किलो वोल्ट। सो ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जिसका एनर्जी जो लिखा हुआ है वो है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ कौन सा रेडिएशन है,
कौन सा रेडिएशन है? एनर्जी लिखा हुआ है, आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच सी, ठीक है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, पढ़े हुए हैं डाटा आपका, 500 बार लिखे हुए हैं, एक दो बार नहीं 50 बार लिखे हुए हैं इसके बारे में। एच सी, एच और इंटू सी, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, उसका वैल्यू नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़े हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ले लीजिए, ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कैंसिल कर लीजिए, और इस तरह वेवलेंथ जो आएगा वो है 124 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, ये नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10^-9 मीटर, दो जीरो हटाएंगे, सो 124 और 15 दोनों जीरो ऊपर ले जाएंगे, 10^-11 मीटर। सो वेवलेंथ समथिंग जो भी आएगा, खैर उसकी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत भी नहीं है। 10^-11 मीटर कौन सा आ रहा है, रुकिए, कॉस्मिक -15 -13, गामा -13 -10 आ गया, ये तो गामा रे है ना, गामा रे मैं चेक कर लेता हूँ, है गामा रे है, आंसर डी, सो 28, नो, एक कैसे आ रहा है, फिर से रिचेक, 15 किलो वोल्ट एच सी, 1240, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और 15 किलो, एक जीरो ख़त्म, और 1500 यहाँ है, 124 नैनोमीटर, 10^-9, और 15 हो गया, दो जीरो, 10^11 ऊपर चला गया, और मैं एक बार 124/15, -11 ही तो आ रहा है, सो -15 to -13, -13 to -10, -10 to -8, सो गामा में आना चाहिए, गामा है कि नहीं ऑप्शन में, गामा तो दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, गामा रे, ठीक तो है, गामा, गामा रे करिए, सो ये वेवलेंथ गामा रे रेडिएशन जो है ये गामा रे में आएगा, गामा रे का आएगा, आप पढ़े हुए हैं गामा का रेंज पढ़े हुए, -13 to -, गामा का हम लोग रेंज पढ़े हुए थे कि इसका वेवलेंथ होता है -13 मीटर to -10 मीटर, तो इसके बीच में जो भी आएगा वो गामा रे में आएगा। सो ये न्यूमेरिकल पार्ट था, एक पार्ट और करेंगे न्यूमेरिकल में, ऐसे कितना सारा पढ़े हुए हैं, पहले आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल, ये भी पीएमटी का ही क्वेश्चन है, सो आप बताएंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी चाहिए इसका, ठीक है, मेडिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज बेस्ट सुटेड टू एब्जॉर्ब अ पार्टिकल ऑफ रेडियस, टू ऑब्जॉर्ब अ पार्टिकल ऑफ रेडियस 3×10^-4 मीटर, पार्टिकल ऑफ रेडियस 3×10^-4 मीटर,
ऑप्शन ए बी सी डी। टेन पे पावर 15, 14, 13, 12। बताइए। देखिए ये जो आपका सॉरी सेंटीमीटर, प्लीज प्लीज यहाँ पे सेंटीमीटर रिचेक रिचेक सेंटीमीटर। देखिए ये जो डाटा आपको लिखा हुआ ना, रेडियस लिखा हुआ है और ये डाटा लिखा हुआ है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या रेडियस जो लिखा हुआ है 3 × 10⁻⁶ मीटर, और ये एक्चुअली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है 3 × 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि वेरी क्लोज टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ का भी तो यही यूनिट होता है सो मीटर होता है, उसलिए आपको इसको वेवलेंथ रिप्रेजेंट करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सी इज इक्वल टू म्यू लैम्ब्डा ऐसे, सो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा। फ्रीक्वेंसी कर लेंगे 3 × 10⁸, यहाँ स्पीड कर लेंगे, लैम्ब्डा लैम्ब्डा करेंगे 3 × 10⁻⁶ कर लेंगे, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी 10⁴ हर्ट्ज। ये है पैटर्न, नियरली इसके क्लोज रहेगा ऐसा भी ये। सो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है, बट एकदम आसान है, ये आप पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्जैक्टली वेव का जो इक्वेशन है, जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो आप पढ़ते थे वही इक्वेशन है, समझिए। नंबर वन, यह है एक्स की तरह, एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ऐसा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस, ये आप पहले लिखेंगे कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग, बल्कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर लीजिए, एक्स एक्सिस में दो एक्स एक्सिस होता है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वेव में आप पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज कर जाता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए इसमें इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ई, ई जो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो साउंड वेव, पूरा प्रोग्रेसिव वेव यहां पे रिपीट करेंगे हम लोग। अब
आप जानते हैं इसको कई तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना है आपको वो ऐसे लिखते हैं, ई नॉट कोई भी साइन कॉस साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दोनों लिख सकते हैं। ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, बट इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन लिखेंगे उस इक्वेशन में ये एक्स जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बताया जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स ये, या आप आपकी मर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये इक्वेशन को, ई नॉट और साइन साइन के एक्स माइनस ओमेगा डी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन की जगह कॉस भी ले सकते हैं, कॉस का भी फंक्शन ले सकते हैं। चलिए बाकी सारे टर्म लिखिए, सारे टर्म इसमें लिखते हैं, ई नॉट पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्स द डिस्टेंस, टी फोर टाइम, ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और के द प्रोपिगेशन कांस्टेंट, के प्रोपिगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। पूरा साउंड वेव जो प्रोग्रेसिव वेव पढ़ते हैं ना वो उससे आता है क्वेश्चन ना, इसलिए आपको जानना जरूरी है। मेन में तो एकदम अलग क्वेश्चन आएगा, बट जो पीएमटी है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सीखिए यहाँ पे। तो पहले समझिए कि इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसको ऐसे लिखते हैं, साइन लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, ओमेगा डी माइनस के एक्स, के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, कितने फॉर्म है, पांच छह फॉर्म आप जानते हैं, ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 2πf होता है, या आप फ्रीक्वेंसी की जगह यूज कर सकते हैं 2π/T यूज कर सकते हैं, के द प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है वो साइंस में होता है 2π/λ होता है, ऐसे पुट कर सकते हैं, वेयर लैम्डा फॉर द वेवलेंथ होगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, के एक्स माइनस ओमेगा डी, ओमेगा डी माइनस के एक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक, एक फंक्शन ये है, कई फॉर्म में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, पुट करिए, फाइव फॉर्म, कम से कम पांच फॉर्मेट में नहीं है जो आप प्रोग्रेसिव वेव में पढ़ते थे। के की जगह आप लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स माइनस 2πf इंटू टी, यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2π कॉमन ले लीजिए, एक्स बाय लेमडा माइनस एफ इंटू टी, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी की जगह आप यूज कर सकते हैं 1π टाइम पीरियड, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2π एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाय टाइम पीरियड, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा को बाहर निकाल दीजिए, सो ई इज इक्वल टू, अगर आप ये बाहर निकाल दें ई नॉट और साइन 2π/λ, 2π/λ अगर बाहर निकालते हैं यहाँ लेमडा, एक्स माइनस एफ इंटू लेमडा इंटू टी, और एफ लेमडा वी टी, वी इज इक्वल टू एन लेमडा, एफ लेमडा बोलते हैं, और ये हो गया 2π/k हो जाएगा।
सो ई ई इज इक्वल टू एक फॉर्मेट ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट साइन के एक्स माइनस वी टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है, वी की जगह सी लिखना होगा, एक्स माइनस सी टी, क्योंकि स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। हो गया, देखिए कितने सारे फॉर्मेट हो गए, सब आप प्रोग्रेसिव वेव में पढ़ते थे। आप जानते हैं कि एनी वेव इक्वेशन जो होता है वो एट द फंक्शन ऑफ ये एक्स माइनस वी टी, ठीक है। सो आ भी तो रहा है एक्स माइनस वी टी, एनी वेव, वेव जो होता है कोई भी वेव इक्वेशन जो है एक्स माइनस वी टी का फंक्शन है। ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो फॉर्मेट कोई भी पूछा जाता है पेपर में। सेकंड पॉइंट, सो अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे मूव कर रहा है, आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी आपने इक्वेशन बताया कि ये E नॉट पीक वैल्यू है, साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं, और के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखते हैं। ये हो गया, देखिए बट अगर क्वेश्चन में ऐसा हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ऐसा हो कि वेव मूव कर रहा है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, वेव का मोशन हो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, सोचिए जो प्रोग्रेसिव वेव में जैसे से पढ़े थे, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग माइनस एक्स एक्सिस अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, तो यहां जो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप पढ़े हुए हैं, यहां पे माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस। प्रोग्रेसिव वेव है, पूरा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन 11th क्लास, और मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराया हूँ, इतना ज़्यादा आपको पढ़ाया हूँ आपको कि साइन तो के एक्स अब प्लस ओमेगा टी। हो गया, नेक्स्ट, देखिए कोई जनरल इक्वेशन कुछ कभी कभी जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा जनरल इक्वेशन है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कौन सा डायरेक्शन है अननोन है, एक्स वाई जेड तो पता है बट ये डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, ये वेक्टर आर है, अननोन डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन, एक्स वाई जेड तो स्टैंडर्ड है, बट मान लीजिए इधर की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, यह है इधर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव अलोंग वेक्टर आर। सो इस डायरेक्शन में आप जानते हैं कि इसके डायरेक्शन में एक इधर की तरफ जो होता है एक वेक्टर के लिखते हैं, प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। सो आप इस केस में वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये प्रोपगेशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, प्रोपगेशन वेक्टर, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड होता है 2π/λ, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कर लेंगे ऐसे। सो अननोन डायरेक्शन में रहेगा, तो इस डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है ना,
ओमेगा टी माइनस के आर लिखेंगे, अननोन डायरेक्शन है, नहीं पता है मुझे एक्स वाई जेड नहीं पता है। सो इस डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो आपको कुछ ऐसे लिखना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस जो के एक्स लिखते हैं के इंटू आर लिखना है, के इंटू आर, और बेटर फॉर्म में प्लीज थोड़ा वेट करेंगे, और बेटर फॉर्म में यहां लिखना है ई नॉट साइन और ओमेगा टी माइनस वैक्टर के और डॉट वैक्टर आर, ये है, ये और बेटर फॉर्म है, के डॉट आर वैक्टर के प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट वैक्टर, प्रोपेगेशन वैक्टर और वैक्टर आर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और बेटर फॉर्म में कई लोग लिखता है कि इसको भी बताइए, ये तो आप बोलेंगे वैक्टर ई लिखना होगा, तो ई नॉट, यहां लिखना होगा यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस वैक्टर के डॉट आर, ऐसे लिखना है। ये सब तो चले समझ में आ रहा है, ये क्या आ गया, तो ये यूनिट वैक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आर की तरफ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के, इलेक्ट्रिक फील्ड आर से परपेंडिकुलर है, तो ये आप लिख लेंगे यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर अलोंग वैक्टर ई के लॉन्ग यूनिट वैक्टर। तो यह इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैं डिस्कस कर दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो ये तो थोड़ा ना चेंज होगा, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज, साइन है तो साइन रहेगा, ये टर्म है तो वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों का फेज तो क्या होता है, सेम। फोर्थ पॉइंट, सर नीट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेक्टर लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई कॉस, सो 40 ये आई कैप हो गया और यहां लिखा हुआ है कॉस के जेड माइनस के इंटू जेड माइनस 6 इंटू 10 पे पावर 8 इंटू टी, ऐसे लिखा हुआ, ई जेड टी सब ऐसा यूनिट में लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के, के जो एक वेव वेक्टर है उसका के का वैल्यू चाहिए, चलिए गिवन, मेडिकल के लिए गिवन है, गिवन E इज इक्वल टू 40 I cos K Z माइनस 6 इंटू 10 पे पावर 8 इंटू टी, ये गिवन है, गिवन ये। नेक्स्ट स्टैंडर्ड
इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड इक्वेशन ई नॉट यूनिट वेक्टर साइन कॉस कुछ भी चलेगा कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी हो गया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ओमेगा निकालते हैं सो ओमेगा 6 8 ओमेगा इज इक्वल टू 2πf 6 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी 3 by पाई 10⁸ सेकेंड इनवर्स हो गया सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा सो लैम्डा इज इक्वल टू सी 3 × 10⁸ by f का वैल्यू 3 × 10⁸ और by पाई सो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया पाई प्रोपेगेशन कांस्टेंट साइंस में 2π/λ 2π/π 2 हो गया मीटर इनवर्स ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स मैं आंसर चेक करूंगा मेडिकल क्वेश्चन है एक मिनट में करना है आपको यस आंसर ए सो 25 का आंसर ए करेक्ट ठीक है नेक्स्ट अगेन नीट क्वेश्चन फाइव सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ई वाई लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वाई लिखा हुआ वाई की तरफ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 कॉस सब ऐसा यूनिट है 2.5 कॉस 2π × 10⁶ 10⁶ टी माइनस π × 10⁻²x इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो x की तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव x पता चल रहा है आपको सो वेव का डायरेक्शन चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेवलेंथ चाहिए कॉस साइन कॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो ये इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो प्लस एक्स है आप पढ़े हुए हैं कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये इस साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है एक तो ये ऑप्शन में ये मिलेगा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए चलिए नेक्स्ट द गिवन सेम तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 कॉस 2π × 10⁶ इंटू टी π × 10⁻², और x, ऐसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, साइंस का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, e naught, cos, ओमेगा डी माइनस के एक्स यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन अब तो सब चीज बन जाएगा एक मिनट में करना है नीट का क्वेश्चन है दोनों कंपेयर करिए ओमेगा 6 2πf
फ्रीक्वेंसी हो गया, वहां कंपेयर कर लेंगे कि के का मतलब होता है 2π/λ, पाई बाई यहां पे करेंगे 100, लेमडा 200 मीटर, हो गया। ऑप्शन देख लेंगे, वेवलेंथ पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, डायरेक्शन था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेवलेंथ, सो 21 और क्वेश्चन मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी 200 मीटर, करेक्ट। मेडिकल स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फाइनल, अभी जो IIT मेन के स्टूडेंट हैं उनको अभी 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अभी और करना है। नेक्स्ट,